दोस्तों पहुंच गए मॉर्निंग, सच अ ब्यूटीफुल व्यू, मौसम भी अच्छा है, बादल हैं आप जैसे देख रहे हो। अल्टीमेट तीड़ के या चाड़ के कौन सा ये पेड़ होता है, काफ़ी है, अलग ही ब्यूटी है इस एरिए की, आपको दिखा देता हूँ। और थोड़ा सा हम रेस्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ PWD रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस, थोड़े नॉन थे उनसे कहकर थोड़ा एक रूम खुलवाया है, कुछ रेस्ट कर रहे हैं, चाय पानी लिया है, अब निकलेंगे वापसी। या यहाँ पर एक किला भी है मोरनी में, वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, अब इतने दूर आया तो एक्सप्लोर करना चाहिए और एक्सप्लोर करता रहूँगा। बिल्कुल यहाँ मैं एक डिफरेंस देख रहा हूँ बड़ा, आई थिंक अब इलेक्ट्रिक कार लेने के बाद टूरिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि नई नई जगह पर जाएंगे, इस सबसे पहले वो जगह तो एक्सप्लोर होगी, साथ में बिजली को भी एक्सप्लोर करना है, और वो भी जो भी डाटा निकल कर आएगा, डिटेल्स आएंगी आपके साथ शेयर करनी है, प्लसेस क्या है, माइनसेस क्या है, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। एक तरह का टूरिंग चैनल बन गया है, तो ही मैं कह रहा था कि अब थोड़ी लंबी वीडियोस मिलेंगी, लॉन्ग इंटरवल, तो अब वैसे कमेंट आए थे काफ़ी कि सर हमें कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग वीडियोस की, आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हो साथ साथ, और हमें कुछ नई चीज़ों को देखने को भी मिल रही है। और मिस्टर रेगवीर आ गए हैं, अब इनकी डिमांड है, भूख लगी है सबको, कुछ खाते पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो सेट्यून दोस्तों, लास्ट में वीडियो के लास्ट में क्या ओवरऑल निकल कर आया है टेलीमेडिक्स बिजली की, वो ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ। लो दोस्तों पहुंच गए मोरनी का जो फोर्ट है यहाँ, किला, और आई थिंक इसी के अंदर एक नेचर म्यूजियम कम लर्निंग सेंटर मोरनी फोर्ट, साथ में एक मंदिर भी है शिवालय। पहले आते थे यहाँ बट कभी ध्यान नहीं गया कि फोर्ट भी है यहाँ कोई। लेट्स एक्सप्लोर क्या है इनसाइड, थोड़ा आइडिया हो जाता है। जैसे धरोहर गेट देखिए, बिल्कुल जैसा फोर्ट का होता है। गुड, बहुत अच्छा मौसम है दोस्तों, फील गुड। जब निकले थे सुबह चंडीगढ़ से बहुत गर्मी थी, चलो एंटर करते हैं। भैया वीडियो बना सकते हैं? शुक्रिया जी, पूछना ज़रूरी है दोस्तों। नेचर प्रोटेक्ट्स इफ़ शी इज़ प्रोटेक्टेड, ये लोगो बेटा मेरे चैनल का होना चाहिए, ये समझने की ज़रूरत है। आज नहीं समझेंगे तो परेशान होंगे आगे चलकर, वैसे परेशान हो रहे हैं, जो एक्सट्रीम वेदर देखने को मिल रहा है। अच्छा थीम बनाया है यहाँ पर, माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ हरियाणा। अच्छा दोस्तों यहाँ आओ तो यहाँ बिल्कुल रुक सकते हो आप, बेटर, बहुत बढ़िया, कुछ देर के लिए। ये जो आपको दिख रहा है उत्पत्ति, ओरिजिन, कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले समुद्र के जीव, फिर डायनासोर, उसके बाद जो आज हम नेचर देखते हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग, फिनिशिंग बहुत, और एक बड़ा ज़बरदस्त सीन हिम तेंदुआ जिसको कहते हैं हम, ध्यान से देखो तो एक तेंदुआ और जो वाइट पेंट किया शो एज ए स्नो, हिम तेंदुआ कुछ अंदर भी है नीचे। लेट्स सी, सेव अस, ई कट गया है बट सेव अस। अर्थ हैज़ लॉस्ट 50% ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ इन द पास्ट 40 ईयर्स, बिल्कुल राइट दोस्तों, पिछले 40 सालों में 50% वाइल्ड लाइफ कम हुई है, मे बी ज़्यादा, क्योंकि सरकारी डाटा कभी कंप्लीट नहीं होता है, कई स्पीसीज तो ख़त्म हो चुकी है, लाइक चीता इंडिया से ख़त्म हो गया था, उसको दोबारा रीइंस्टॉल कर रहे हैं, दोबारा से अदर कंट्री से चीता मंगाया गया है। वाओ लुक्स ग्रेट यार, ओह ये देखिए दोस्तों कैसे एक टाइगर दिखाया है उल्टा, और उसमें लोगों ने उसको जैसे किल किया है तीरों से, ओह माय गॉड। बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ काम हुआ है, बिल्कुल सब कुछ ओरिजिनल सा लगता है दोस्तों। मैं जानता हूँ वीडियो लंबी हो रही है बट आई थिंक आपको देखना चाहिए,
देखने वाला है। अजगर कितना रियल है, बाय गॉड बहुत रियल है। ग्रेट, ये अपराधी आदिवासी दिखाए हैं और आदिवासियों ने, ये तेंदुआ मारा है तीरों का, अगर क्लियर दिख रहा हो आपको, मंकी राजा, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स। अब चलते हैं बाहर। अच्छा बनाया है दोस्तों, बिल्कुल विजिट बनती है। ये बड़ का पेड़ है, बड़ कितनी लंबी लंबी इसकी वो है, नीचे टच हो रही है, क्या बात है। विकास, ये विकास दोस्तों मोदी वाला विकास नहीं है, इसका कुछ और मतलब है। वो तो जुमला खेला था विकास के नाम पे। किस किस को अच्छा लगा जुमला विकास? इंसेक्ट ओडेसी थीम है दोस्तों, थीम पर बना हुआ है। सामने नेचर, नेचर मदर, ऊपर कवर्ड है, शेड है, इस तरह से लगेगा नेचुरल लाइट पूरी अंदर आ रही है। बहुत अच्छा दोस्तों, सारा आर्टिफिशियल है ये, सबसे बड़ी बात है। मैं ध्यान से अगर आप देखें सभी प्लांट, सब कुछ, कुछ एक को छोड़कर, जो आपको दिखाई दे रहा है जो लकड़ का पार्ट है मेन, जो तना इसको बोलते हैं, वो ओरिजिनल है, बाकी पत्ते और आई थिंक सब ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। बट फीलिंग पूरी नेचर मदर देख रही है हमारी तरफ कि कैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, कुछ लगी फीलिंग आ रही है दोस्तों। मैं कह नहीं सकता, कभी आओ तो देख कर जाना, तभी एहसास कर पाओगे। और ये नेचर मदर के दुलारे, इनसे पूछो रास्ते में आते हुए कितनी प्लास्टिक फेंकी इन्होंने, जीरो, हमने कोई प्लास्टिक नहीं। मैंने देखा है भाई, तभी पूछ रहा हूँ। नाउ इट्स टाइम टू बैक टू चंडीगढ़ दोस्तों। 29% बैटरी थी जब हम वहाँ से चलना शुरू किया, अभी तकरीबन आई थिंक 5 to 6 किलोमीटर ही आया हूँ नीचे, तो 29 से बढ़कर जो बैटरी है दैट इज 31%, 2% चार्ज हो गई है। क्यों? रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ नुकसान है कि हाइट पर चढ़ते हुए, चढ़ाई चढ़ते हुए बैटरी ज़्यादा कंजप्शन होती, वहीं वापस आते हुए इस तरह हमारी बैटरी चार्ज भी हो जाती है। ये सबसे बड़ा फायदा है इलेक्ट्रिक कार्स का। तो एक बार नीचे जब पूरी पहाड़ियाँ क्रॉस करके नीचे उतरूंगा, तब एक बार दोबारा दिखाता हूँ कि टोटल कितनी परसेंट बैटरी चार्ज हुई है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। दोस्तों आज का ये था टूर मॉर्निंग का, वापस आ गए हैं, घर पहुंच गया हूं। तो अभी मैं आपको दोबारा डिस्प्ले पर लेके चलता हूं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है दोस्तों जब आप पहाड़ों पे जा रहे हो, तकरीबन डबल आ जाता है फैक्टर कंजप्शन का। मैं अभी आपको लेकर चलता हूं डिस्प्ले पर, वहां पर आपके साथ पूरा डाटा शेयर करता हूं। तो दोस्तों ये आ गए हम डिस्प्ले पर। सुबह मैंने फुल चार्ज नहीं की थी, तकरीबन 85% था, और जब हम वहाँ से चढ़ाई शुरू की था वो 75% थी। वो कुछ मैंने लोकल भी चलाई थी जब सुबह, उसके लिए गया हूँ मैं ग्रीन नंबर प्लेट के लिए, तो 25% वो, 19% या रफली 20% ये अभी पेंडिंग है, यानी कि 45% पर कितनी चली है ये है ट्रिप 83, इसमें लोकल का भी डाल दो तो एवरेज 100 किलोमीटर, 45% बैटरी में 100 किलोमीटर ही चल पाई है। तकरीबन सीधे जो कंजप्शन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल मेरे लिए थोड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि जब मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक जो ट्रिप रोहतांग का, उसमें मुझे आगे की दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है चंडीगढ़ से जो फर्स्ट मेरा जो स्टॉप रहेगा मंडी,
वहां मैं कैसे पहुंचूंगा 200 किलोमीटर, वो मेरे लिए सोचने वाली बात है। चलो वैसे उसका एक हल निकाला है, वहां भी एक ऑन द वे एक नॉन है, उनसे बात हो गई है, तो जरूरत पड़ी तो वहां पर रोककर चार्जिंग 3-4 घंटे चार्जिंग करके आगे निकलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल ये था आज का टूर मोरनी चंडीगढ़। वैसे हरियाणा में पड़ता है मोरनी और काफ़ी अच्छा, बाद में बारिश भी हो गई थी जो आप देख रहे हो व्यू बीच में बादल का, उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल पैसे वसूल है दोस्तों। ना सिर्फ बसंती से आज माफ़ कीजिए मुंह से बसंती निकल रहा है, बिजली से आज पैसे वसूल हुए हैं, बल्कि जो टूर था ये मोरनी का ये भी पैसे वसूल थे। वैसे खर्चा कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ज़्यादा खर्चा तो पेट्रोल या डीजल का होता है, वो तो हुआ नहीं। बिल्कुल अमेजिंग, बहुत मज़ा आया आज। उम्मीद है आज आपने भी इस टूर को एंजॉय किया होगा, साथ में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपके मतलब की होगी। हाँ बिल्कुल, आते हुए जो रीजन था जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ पर 29% से हमने शुरू किया था, तो अभी घर पहुँच गया हूँ काफ़ी, तो तब भी 19% है, और नीचे आते आते सिर्फ 2 या 3% बैटरी ही लगी थी। रीजन बड़ा अच्छा लगा, जबकि वो ज़्यादा स्लोप वहाँ नहीं थी, फिर भी रीजनरेटिव काफ़ी अच्छी हुई है। ये एक बड़ा फैक्टर है जो हमें हिली एरिया में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल, तो ये था आज का ओवरऑल अपडेट। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, जय हिंद। बाकी दोस्तों अभी कल की मैं थोड़ा बता देता हूँ, कल मैं जा रहा हूँ, हम बात करते हैं जो न्यू दिल्ली में स्काई कार वाले हैं, आपने बिल्कुल उनकी वीडियोस देखी होगी, जो नेक्सन मॉडिफिकेशन के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, मिस्टर नितिन ग्रोवर, उनसे मेरी बात हो गई है। जो सीट कवर या अदर एक्सेसरीज है वो फाइनल, वो लिस्ट मैंने भेज दिया, सीट कवर का डिज़ाइन फाइनल हो गया है, तो कल पूरा वहां पर जाएंगे। दिल्ली का भी कवर करेंगे ऑन द वे, कौन से डीसी फास्ट चार्जिंग आते हैं वो भी कवर करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला लॉन्ग रूट का, क्योंकि तकरीबन 500 किलोमीटर प्लस का ये टूर होने वाला है, तो ज़बरदस्त रहेगा। मॉडिफिकेशन भी आपको देखने, इस बिजली को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसको मॉडिफाई भी कराएंगे जितनी रिक्वायरमेंट है, ओवर मॉडिफाई नहीं, ओवर नहीं करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है जितना जचेगा उतना करेंगे, और साथ में पूरा टूर 500 प्लस किलोमीटर का कैसा रहेगा, दिल्ली नेशनल हाईवे पर क्या क्या चार्जिंग इंफ्रा, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए कल के लिए भी। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, जय हिंद।